जग में साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही तो है राधा का श्याम प्रजामंडल के समय के हमारे मान स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान इंटक के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने काम किया और देश को एकता अखंडता निर्माण करने का संकल्प लिया हनुमान प्रसाद पापाकर साहब की पुण्यतिथि पर अशोकनगर समाधि स्थल पर हम कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश जी शिमाली साहब जिनको हम बचपन से देख रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है और हमारे शहर देहात के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ कृष्णलाल चौधरी बोम के मेंबर सीताराम जी चौधरी साहब बड़े भाई राजीव सवालका साहब अजय सिंह जी अरुण ठाक तमाम साथियाँ मौजूद हैं। पूर्व कांग्रेस कार्य समिति सदस्य रघुवीर मीणा जी वरिष्ठ नेता उनके पुत्र पूर्व प्रधान मावली के दिलीप प्रभाकर से हज़ारों कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रातः 9 बजे से दिनेश दवे साहब सहित कई साथी मौजूद हैं। आदरणीय सुरेश शिमाली साहब जो प्रभाकर साहब के अंतिम समय तक उनके वफादारी से राजनीतिक सहयोगी रहे वो अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कह रहे हैं। सुरेश शिमाली जी स्वर्गीय प्रभाकर साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ा है। वो कार्यकर्ताओं के मसीहत है, मजदूरों के मसीहत है। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को संगठन के हित में और एक दूसरे का भला करने के लिए अपना त्याग दिया, पूरा शरीर उन्होंने समय लगाया। तो मैं प्रभाकर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो अधूरे काम है संगठन को मजबूत करना, उसमें संगठन में जो भी ताकत दे सकते हैं और हम कांग्रेस की ये सरकार ला के राजस्थान की सरकार वापस रिपीट करा के उनको सब कार्यकर्ता मिलकर ये श्रद्धांजलि होगी कि सब मिलकर उनको सरकार वापस रिपीट कराएं। धन्यवाद सुरेश शिमाली जी। हमारे सराड़ा के पूर्व प्रधान जिन्हें लोग जावर में इसमें गांधी कहते हैं कच्चूलाल जी चौधरी जो कि भैरूलाल मीणा जी के भी विश्वसनीय राजनीतिक सहयोगी रहे देहात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आदरणीय कच्चूलाल जी चौधरी। मैं आज सब सर्वप्रथम तो प्रभाकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। वो एक ऐसा नेता थे जब उस समय वो जब मंत्री थे उनके पास 14-14 विभाग थे, जिधर जाओ उधर विभाग ही विभाग, और जो भी कार्यकर्ता जाता था उनके सामने कोई मायूस होकर के नहीं आता था। वो एक दमंग नेता थे, जब भी कोई कार्यकर्ता अपना काम लेकर जाता था तो ये नहीं देखते थे कि ये कार्यकर्ता कहाँ से आया, कौन है, किसका है, उसी समय वो अपना काम कर लेते थे। मैं उनको इस समय उनके परिवार को और हम सभी कार्यकर्ता उनको बार बार नमन करते हैं और आने वाला जो चुनाव है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम शहर जिला अध्यक्ष मैं कच्चूलाल चौधरी सर देहात अध्यक्ष हम मिल करके हमारी जितनी भी 8 सीटें हम पूरी जीता करके और पुनः राजस्थान में सरकार स्थापित करेंगे, यही हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। धन्यवाद कच्चूलाल। हमारे बीच में नौजवान साथी जिन्होंने यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया मेरे छोटे भाई फतेह सिंह राठौड़ जो कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय श्री हनुमान प्रभाकर साहब को बहुत बहुत उदयपुर शहर कांग्रेस की कमेटी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि प्रभाकर साहब के बारे में हम तो छोटे थे, हमने सुना है बड़ों से कि प्रभाकर साहब वो व्यक्तित्व थे जो कार्यकर्ताओं के लिए आधी रात को लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए वो ऐसे नेता बिरले ही होते हैं क्योंकि जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है, कार्यकर्ताओं की सुनता है। इस अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हम उदयपुर शहर और उदयपुर संभाग में कांग्रेस कमेटी को पुनः कांग्रेस को स्थापित करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में बड़े भाई
जिनका पूरा जीवन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को समर्पित रहा, आदरणीय राजीव सवालका साहब। श्री प्रभाकर साहब के चरणों में मैं शत शत नमन अर्पित करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी बहुत याद आ रही है। हमने राजनीति की ABCD और क ख ग श्री प्रभाकर साहब से और उनके निवास से ही सीखी। जो कुछ भी हम राजनीति में आगे सीख सके वो प्रभाकर जी की देन है। प्रभाकर जी की कमी आज हमें बहुत खलती है और प्रभाकर जी की स्थान आज की तारीख में कोई मंत्री नेता ले नहीं सकता। प्रभाकर जी ने हर वर्ग हर गुट से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम माना। वो चाहे किसी गुट का हो, कहीं का भी हो, उन्होंने उसे केवल कांग्रेस ही माना और हर समय आधी रात को वो किसी भी कार्यकर्ता के लिए तैयार रहते थे। ऐसे नेता की कमी हमें आजीवन खलती रहेगी, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। आज मैं उनको पुनः नमन करता हूँ और जो उनकी भावनाएं थी कांग्रेस को मजबूत करने की, आज मैं सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करूँगा कि उनके अधूरे सपने कांग्रेस को मजबूत करें राजस्थान और केंद्र में केंद्र की सरकार लाकर हमारी प्रभाकर जी की भावनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद। हमारे बीच में माहौली के लोकप्रिय प्रधान आदरणीय दिलीप प्रभाकर जी, हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनके साथ हमें वर्षों तक यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला, तीसरी बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने छोटे भाई अजय सिंह पहल जी। आज प्रभाकर साहब की पुण्यतिथि पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभाकर साहब कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरीके से जी जान लगा देते थे और अपने ही सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक से भिड़ जाते थे कार्यकर्ता के काम के लिए, अधिकारियों से भिड़ जाते थे और उनको जो संगठन के लिए मजबूत करने का जो उनका सपना था, आज इस अवसर पर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ये संकल्प लें कि संगठन को मजबूत करें और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जी भी आ गई हैं, जो हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी की राजनीतिक सहयोगी रहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहीं, वो भी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। अभी प्रकाश सिमाल जी भी श्रद्धांजलि देंगे। डॉक्टर गिरिजा व्यास जी प्रभाकर साहब की श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द कहेंगे। प्रभाकर जी आज भी हमारे बीच नहीं है, ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति एक चलती फिरती कांग्रेस थी, सबके मन में बसे हुए, कार्यकर्ता के बहुत निकट और प्रगतिशील विचारों के विकास के प्रति जिनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनकी दृढ़ता जिस बात को शो करती है, वही बात आज की आवश्यकता है। हमारे सामने अभी चुनाव है, चुनाव में जीतना है। प्रभाकर जी एक ही बात कहा करते थे कि कांग्रेस इस देश की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के बगैर ये देश आज किसी से पहुँच गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए प्रभाकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके प्रति उनके लिए उनके जैसी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, आम लोगों के प्रति उनका स्नेह का भाव और विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण, इस सब को अपने मन में बसा करके रखें ताकि आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। हमारे बीच में राजस्थान इंटक ऑल इंडिया इंटक के संगठन सचिव जो हनुमान प्रभाकर जी के भी सहयोगी रहे आदरणीय प्रकाश जी सिमाल साहब। प्रभाकर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि आज हम देते हैं। प्रभाकर साहब एक मजबूत संगठन करता था। जब 78 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, उदयपुर संभाग में प्रभाकर साहब ने के नेतृत्व में जो कांग्रेस संगठन खड़ा हुआ, और उसी का देन है कि आगे कांग्रेस इस संभाग में मजबूत रही। प्रभाकर साहब हमेशा कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध थे। जो भी कार्यकर्ता जैसी भी स्थिति होती वो तन मन धन से उनका कार्य करते थे और संगठन के लिए और हमारे राजस्थान के हितों के लिए वो हमेशा अग्रणी रहे। हम ऐसे मजबूत नेता बहुत बिरले ही होते हैं। हम उनको यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।
हमारे उदयपुर से महापौर के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, जिन्होंने वर्षों तक यूथ कांग्रेस को नई दिशा दी। मेरे छोटे भाई अरुण टांग जी भी श्रद्धांजलि साहब मौजूद हैं अशोक नगर समाधि स्थल पर। अरुण टांग साहब, मेवाड़ के कद्दावर नेता और सदियों तक जहन में रहने वाले, हर कांग्रेस के ही जनता के नहीं सब वरन पूरे मेवाड़ के नेता, ऐसे प्रभाकर साहब को मैं प्रथम नागरिक की चुनाव लड़ा हूँ, उस हिस्से से पूरे उदयपुर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। याद है मुझे वो ज़माना, सुनता हूँ कि सुखाड़े जी, प्रभाकर साहब, सक्तावा साहब, ऐसे कई दिग्गज नेताओं जो इस मेवाड़ के लिए, मेवाड़ के हर समस्या के लिए रात दिन खड़े रहते थे। आज ऐसे नेताओं के कदमों पर पूरा मेवाड़ चल पाए, जहाँ विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते थे, मैं ऐसे नेता को नमन करते हुए पुनः वंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद टांग साहब। हमारे बीच में राजस्थान इंटक के वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया इंटक के सेक्रेटरी रहे, सीमेंट फेडरेशन के भी अध्यक्ष रहे, और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री में आपके साथ काम करने का 3 साल का मौका मिला। आदरणीय सत्यजीत जी व्यास साहब, आज के इस मौके पे प्रभाकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये महसूस करते हैं कि माननीय प्रभाकर साहब ने कांग्रेस को इमरजेंसी के विकट काल में उदयपुर संभाग में जिंदा रखा। निरंतर ऑफिस पे बैठते थे, कार्यकर्ताओं से संपर्क रखा, और उन्हीं की मेहनत का परिणाम रहा कि वर्षों तक उदयपुर संभाग में कांग्रेस ने एक छत्र राज्य किया। हमारे इंटक के लिए तो प्रभाकर साहब का जो योगदान रहा, हमारे इंटक के अध्यक्ष भी रहे, इंटक में काफ़ी वर्षों तक 2 गुट चले थे, नीतिगत मतभेद होने की वजह से उन्होंने उसकी एकता करवाई और अंत तक श्रमिकों के, कार्यकर्ताओं के, मजदूरों के और आम जनता के हितैषी रहे। उन्होंने कभी अपने आप को नेता नहीं समझा, हमेशा वो ये कहते थे कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, और उन्हीं की बदौलत आज कांग्रेस उदयपुर संभाग में पल्लवित हो रही है। हम पुनः श्रद्धांजलि। धन्यवाद व्यास साहब। श्याम जी अमेठा, संक्षेप में अमेठा जी और वैष्णव जी। आदरणीय प्रभाकर साहब जो सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह रखने वाले थे, और उन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस को जो दिया राजस्थान के अंदर, आज उसका विकल्प नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के अंदर, चूंकि मैं शिक्षक रहा और आपने शिक्षा विभाग के अंदर प्रतिक्रियावादी ताकतों से लड़ने के लिए शिक्षा विभाग के अंदर एक पूरा संगठन खड़ा किया कांग्रेस विचारधारा से, और उस वो संगठन आज राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा संगठन बन गया है। तो आज प्रभाकर साहब को इस अवसर पर हम समस्त राजस्थान के कर्मचारी और शिक्षक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद बेटा। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक वैष्णव जी। मैं स्वर्गीय प्रभाकर साहब को मावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभाकर साहब ने मावली में बहुत ही अच्छे अच्छे विकास के कार्य करवाए, उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पंकज जी शर्मा एक नाम ही काफ़ी है पूरी कांग्रेस के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन 24 घंटे कांग्रेस के लिए लगा दिए। ऐसे गांधीवादी नेता और युवाओं में हर क्षेत्र में आगे रहने वाले पंकज जी से श्रद्धांजलि। टांग साहब, आपकी बात को मैं तायद करता हूँ कि 1970 से लगा के 80 तक हनुमान प्रसाद प्रभाकर साहब ने इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस को जिंदा रखा। कार्यकर्ताओं के लिए वो सहज रूप से उपलब्ध हो जाते थे, और सवेरे 8 बजे से लगा के 12 बजे तक उनका घर उदयपुर में अशोकनगर हो या जयपुर में सरकारी आवास हो, कोई पर्ची सिस्टम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए वो काम करते थे, और कार्यकर्ताओं से उनके पारिवारिक संबंध है। पूरा मावली फतेहनगर ही नहीं, पूरे उदयपुर को अपना परिवार मानते थे। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी आज शपथ लेते हैं कि हम अशोक गहलोत जी का जो मिशन 156 है उसको पूरा करेंगे, और चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार को रिपीट करेंगे। धन्यवाद टांग साहब। धन्यवाद मेवाड़ चैनल को भी, जिन्होंने आज पुण्यतिथि पर लाइव टेलीकास्ट किया। हम सभी उनके ऋणी हैं, इसी तरह वह जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करते रहते हैं। हमारे बीच में जिनके साथ धान मंडी में 1980 में मैं नेकर पेन के पर्चियां बांटता था, हमारे वार्ड के अध्यक्ष आदरणीय पारस बापू नागौरी साहब, जिनके साथ मैंने बूथ की पर्चियां भरना सीखा, बूथ के फार्म भरना सीखा, बड़े भाई पारस जी नागौरी साहब भी पधार गए हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट आप भी प्रभाकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय श्री प्रभाकर साहब के, उनके सानिध्य में हमारा बचपन भी बीता, उनके सानिध्य में काम किया। मैं आज इस मौके पर कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो सबसे
कार्यकर्ताओं की वक्त करने वाला, कार्यकर्ताओं की इज्जत करने वाला अगर कोई नेता है सबसे ज़्यादा, तो वो प्रभाकर साहब थे, जिन्होंने अदने से अदने कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। और जब भी जयपुर वगैरह जाते थे तब भी उनका द्वार हमेशा खुला रहता था, और वहाँ जो है हम लोग खाना भी वहीं खाते थे। और यहाँ अशोकनगर पे तो हम आए दिन बिना बुलाए बिना किसी भी चले जाते थे। ऐसे महान नेता को मैं शत शत नमन करता हूँ। हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सोनी जी भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज हनुमान प्रभाकर जी की पुण्यतिथि पर हम सभी कांग्रेसजन यहाँ पे आए हैं, और उनके आदर्शों पे चलने का, जैसा कि सब भाई साहब ने वगैरह से ने बताया कि उनका द्वार हमेशा खुला रहता था और वो कार्यकर्ता का सम्मान करते थे, उनसे प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। मैं मेवाड़ चैनल के हमारे बड़े भाई साहब और हमारे लोकप्रिय पार्षद छोगालाल जी भोई साहब और हमारे अभिमन्यु भैया को हम धन्यवाद देते हैं कि जब कभी उदयपुर में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जयंती पुण्यतिथि के सामाजिक सरोकारों को जिंदा रखने वाले प्रोग्राम, तो छोगालाल जी भोई साहब हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उदयपुर को और मेवाड़ चैनल को सतत रूप से अच्छा काम करते रहते हैं। मैं मेवाड़ चैनल की ओर से भी आदरणीय हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर साहब को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।